क्या सुनते आ रहे हैं। मुख्तसर सा वक्त होता है, मुख्तसर सा, तो मैं ऐसे में सिर्फ एक फिक्र देता हूँ, मुकम्मल चीज़ें नहीं पढ़ता, लेकिन एक फिक्र दे देता हूँ, शायद किसी के जहन में आ जाए। और फिक्र मैं खुद नहीं देता, बल्कि कुरान से देता हूँ, हदीस से देता हूँ, शायद किसी के समझ में आए, उसके लिए आपका सुधर जाए और मेरी सुधर जाए। अदादार मौजूद है, मोहर्रम का चांद उदार हुआ, मेरा एक ये लफ्ज तो सच्चा अदादार है, उसकी आंखों में आंसू लाने के लिए कहा। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि चांद मुहर्रम का देखा, उसे मजलूम हुसैन याद आया, सफर करबला याद आई, और उसके बाद सारे हालात उसके जहन में पुरपुर हो जाए। हम अदादार हुसैन, सबसे पहली चीज जो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हीरा अगर अपनी कीमत न जाने तो फायदा नहीं। हम अदादार है, हम भी इसको हल्के में ले लेते हैं। हम अदादार यकीन जानिएगा कि हर शख्स को अपनी माओ का शुक्रगुजार होना चाहिए। हर साल मुहर्रम में आप गौर से देखिएगा, अगर इस साल बच्चे की विलादत हुई है तो 6 महीने का हो, 7 महीना का हो, माह मुहर्रम आता है तो माए सबसे पहले उसके आंख को लेके मातम करना सिखाती है। यह हमारी माओ का एहसान है कि आज हम अदादार हैं, आज हम फर्शी अदा पे बैठने की तौफीक हमें हासिल है। और ऐसा क्यों ना हो, बहुत अच्छे देखिएगा, चांद हुआ, अब अदादार घरों में नहीं बैठता, अब अक्सर वो फर्शी अदा पे दिखाई देता है, इमामबाड़ों पे दिखाई देता है, कहीं तवज्जुह लेने जा रहा है, कहीं अलम सजाने जा रहा है, कहीं तुर्बत की फिक्र है, कोई नौहा पढ़ रहा है, सब मजलूम हुसैन की माँ को कुर्ता देने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो माहौल दिखाई देता है, चारों तरफ से गम ही गम दिखाई देता है। इतनी शिद्दत से जो मोहब्बत हुसैन हमारे दिलों में आ गई है, ये हमारी माओ ने तो डाला ही है, लेकिन इसके साथ तसव्वुर पे गौर करिए, क्योंकि आपको मौजूदा दिखाई नहीं देता। जैसे कि एक माँ के अंदर अल्लाह ने ममता डाल दी, बाप के अंदर नहीं डाली, मोहब्बत दोनों करते हैं, माँ की मोहब्बत और होती है, तो माँ जैसे अपने बच्चों को ममता से पालती है, उसी तरह मोहब्बत हुसैन भी ऐसा लगता है कि अलग से हमारे दिलों में डाल दी गई है। और कैसे न डाली जाए, वजह साफ है, हम हैं कौन, बीबी फातिमा जहरा की ख्वाहिश है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, याद है, अपनी अज़मत को पहचानिए, आप क्या है। था ना एक वक्त जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, फातिमा तुम्हारा ये हुसैन करबला में अकेला तन्हा शहीद किया जाएगा, बीबी ने तड़प के पूछा था क्या इसका साथी कोई नहीं होगा, कहा होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो भी शहीद होंगे। बीबी तड़प गई, कभी मेरे हुसैन पर रोएगा कौन, रसूल अल्लाह से वादा किया था एक कौम आएगी, मेरी उम्मत में से एक कौम होगी जो तुम्हारे हुसैन पर कयामत तक रोएगी। हम वो कौम है, कौन सी कौम है, जिसका वादा रसूल ने किया था हम वो है, जिसकी ख्वाहिश बीबी फातिमा जहरा ने की थी हम वो हैं, और अगर वो ना होते तो फिर फर्शी अदा पे बीबी फातिमा जहरा आती। दलील है इसकी कि हम जब फर्शी अदा बिछाते हैं तो बीबी फातिमा जहरा अपने रुमाल लेके आती है। ये रुमाल लेके क्यों आती है, इसलिए कि बीबी फातिमा जहरा को यही तो दर्द था कि मेरे हुसैन को रोएगा कौन, इसलिए बीबी फातिमा आती है और रुमाल में लेके जाती है आंसू। अब अगर इतनी अजमत के बावजूद हम खुद को न पहचाने, अदादारी को हम दस्तूरन आदतन लेने लगे, तो यकीन जानिए कि हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा यकीन है, देखिए ये तो अलग बात है कि अल्लाह हमें देख रहा है, फिर भी हम गुनाह कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि अल्लाह नहीं देख रहा, तो देख रहा है, यकीन है, नफ्स कमजोर है, फर्शे अदा करी थी, फातिमा जहरा आई है, इमाम सज्जाद आते हैं, यकीन है हमें, पर थोड़ी से गफलत में है, महसूस नहीं कर पाते। जब महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं,
यकीन रहेगा जिस दिन हमारे ख्याल में ये आ जाएगा कि इस डर पे चढ़ते वक्त फौरन एहसास होगा कि अब हम वहां बैठने जा रहे हैं जहां फातिमा ज़हरा होंगी, जहां सज्जाद होंगे, तो हमारी कैफियत बहुत बदल जाएगी। और ये जरूरत है इस चीज की कि आज आप महसूस करें, हम महसूस करें, मैं मिंबर पे बैठा हूं, हमारी क्या हैसियत है कि बीबी फातिमा ज़हरा के सामने कुछ कहे। लेकिन इस गुनाहगार की जो इल्म है, महदूद इल्म है, उससे कोशिश ये करते हैं कि बीबी को कुर्सा उसके लाल का दे दे। पर यही अदादारी है, इसी अदादारी से हम वाबस्ता रहते हैं, माह मुहर्रम के 2 महीना 8 दिन इसी अदादारी को चलाते हैं। और इसके साथ साथ अक्सर बड़ी बड़ी दलीलें होती है मकसद अदादारी, और जब मकसद अदादारी सुनी तो मोमिनीन भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ना जाने क्या क्या मकसद होगा। छोटा सा मकसद है, देखिए अदादारी की पानी बात बीबी ज़ैनब, कहा जाता है शाम को जब उन्होंने जिंदा से रिहाई ली थी, लेकिन हकीकत में अदादारी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब शहादत हुसैन हुई थी और बीवियों ने गिरिया करना शुरू किया। अदादारी वहीं से शुरू हो गई। अदादारी की पहली जरूरत यह है कि हजरत हुसैन पे गिरिया करें, हुसैन पे आंसू बहाए, इसको ही अदादारी कहते हैं। इसके बाद दूसरा मकसद क्या है, बीवियां रोती तो करबला से गई थी शाम तक, जिंदान में भी बीवियां रोती तो थी, फिर रिहाई के बाद एक जगह मखसूस तो मांगी और कहा यह कि हम चाहते हैं कि हम अपने भाई पर रो लें। तो सवाल आता है कि क्या अब तक रो नहीं रही थी? रो रही थी अब तक, लेकिन सख्तियों में रो रही थी, ताजियाने खा के रो रही थी, और उसके साथ साथ यजीद ने लोगों को गुमराह किया था, बताता नहीं था ये कौन है हुसैन। बीबी ने बहुत जगह ली, जगह लेने के बाद लोगों को बुलाया और बुला के बार बार कहती थी ये हुसैन है, ये नवासा रसूल है जिसको शहीद कर दिया गया है। और एक एक तबर्रुकात जब आता था तो उसके लोगों को देती जाती थी, गिरिया करती जाती थी। अब मकसद क्या हुआ? मकसद यह हुआ कि हुसैन ने, नवासा रसूल ने, जिसने रसूल ने इस्लाम फैलाया था, उस इस्लाम को बचाने के लिए वो इस्लाम कौन सा बचाया था? छोटी सी चीज मिसाल दे देता हूँ, जिस इस्लाम के अंदर यजीद ने शराबखोरी सीख कर दी थी, जिनाकारी आम कर दी थी, उस इस्लाम के ऊपर बैयत नहीं की। पर छोटा सा मकसद था कि हुसैन ने उस इस्लाम के ऊपर बैयत करने से इनकार कर दिया था। यही बात बीबी फातिमा ज़हरा को शाम में समझाना, जिसके लिए उन्होंने वहां पर एक कमरा लिया और उसको लोगों को बुला के अदादारी की। हमारा भी मकसद वही है कि हम यहाँ पर लोगों को ये बताएं कि कौन सा इस्लाम है, और इसके लिए छोटा सा मकसद और आपकी सहमत तमाम समझाने के लिए बच्चों को समझा दूं। देखिए एक मिसाल देता हूं कि 2 बच्चे थे, एक शख्स के अब बाप बड़ा नेक था, निरुकार था, पहले जमाने में कुएं वगैरह बनाए जाते थे, दरख्त बताए जाते थे, लगाए जाते थे, नेकी की होती थी कि मुसाफिर आएंगे तो पानी पिएंगे। बाप ने कई कुएं बनवाए, दरख्त लगवाए, पेड़ लगवाए, एक दिन बाप का इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हो गया तो उस जमाने में मुकाबले कबीले में होते थे, दूसरे कबीले वाले ने समझा अब ये कमजोर हो गए, वो रात में आए, उन्होंने सारे कुएं तबाह कर दिए, सारे दरख्त काट दिए और काट के चले गए। अब जो बच्चे सुबह उठे उठ के तो दोनों रोने लगे कि मेरी बाप की सारी मेहनत जाया है, मेरे बाप ने जो बाग लगाया था वो खत्म हो गया, जो पानी का कुआं था वो खत्म हो गया। दोनों बच्चे बैठ के रोने लगे, रोजाना दोनों बच्चे आते थे, रोते थे, चले जाते थे। दोनों बच्चों में एक छोटा सा फर्क आया, एक बच्चा आता था, क्रिया करता था, चला जाता था, मोहब्बत वो भी तो बाप से करता था तभी तो क्रिया करता था। दूसरा बच्चा आया, उसने क्रिया भी किया, रोया भी, और जहन में उसके लिए आया कि मेरे बाप की इतनी खिदमत थी, इतने कुएं लगाए थे, इतने बाग लगाए थे, ऐसा क्यों ना करूं कि मेरे बाप ने 4 कुएं बनाए थे, मैं 40 बनाऊंगा, मेरे बाप ने दरख्त लगाए थे 10 तो मैं 100 लगाऊंगा। क्या किया दूसरे बच्चे ने? आपको यकीन नहीं आएगा किसकी नियत ज्यादा बेहतर है,
किसका अमल ज्यादा बेहतर है, जो रो के सो गया या जिसने मकसद अपने बाप के जिंदा रखा, जिसने अपने बाप के मकसद को जिंदा रखा वो ज्यादा बेहतर हुआ। हमसे भी बीबी फातिमा उम्मीद करती है कि हम सिर्फ गिरिया करके न सो जाएं, हम भी हुसैन के मकसद को जिंदा रखे। हुसैन के मकसद को जिंदा रखने के लिए हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने अमल को दुरुस्त कर लेना है। हमें दूसरों को नसीहत नहीं करनी है, दूसरों को चिल्लाना नहीं है, सबसे पहले अपने अमल को दुरुस्त कर दीजिए। अमल को दुरुस्त क्या करते हैं, जैसे हम दुनिया के समाज के दस्तूरों के बीच में अपनी चीजें खो देते हैं, मतलब सुबह निकले शाम तक टहल रहा है तो जोर से की नमाज का पता नहीं है, उम्र होता है, रात में आए पढ़ रहे हैं, अक्सर है नहीं साहब रोजा नहीं रख पाते हैं और नमाज रोजा में छोड़ दीजिए, अपने वाले की खिदमत नहीं कर पाते हैं, माँ बाप से बदतमीजियां कर लेते हैं, वगैरह वगैरह जो गुनाह आम है, बदीवत करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं। अगर इनसे हम खुद को बचा ले जाए तो समझ लीजिए कि मकसद हुसैन पे कामयाब हुए, और मकसद हुसैन पे कामयाब तो हो गए, फायदा किसे हुआ, हुसैन को हुआ, हुसैन की माँ को हुआ, नहीं फायदा हमें हुआ, आखिरत हमारी सुधरी, हुसैन की नहीं। हुसैन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, खुदा की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिर सुधरी। हाँ खुदा की सेहत पर इतना फर्क पड़ता है, जहां बताता चलो थोड़ा सा फर्क क्या पड़ता है, जैसे किसी माँ का बच्चा बिगड़ जाए तो माँ तड़पती है, हाय मेरा बच्चा बिगड़ गया, और अल्लाह कौन है जो हजारों करोड़ों माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो जब उसका बंदा बिगड़ जाता है राह से तो अल्लाह को तकलीफ होगी। इसीलिए कहा गया है कि जिस दिन कोई शख्स गुनाह करने की तरफ बढ़े और वापस लौट जाए उस दिन से बड़ी कोई ईद नहीं है, क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है कि आज मेरे बंदे ने गुनाह का रास्ता छोड़ के वापस कर लिया अपना कदम गुनाहों से खींच लिया। बार बार खुदा कहता है गुनाह करता, अरे इस्तग़फ़ार आप कर ले, अब नहीं करता आखिरी सांस तक कर ले, इस्तग़फ़ार कर तो ले तू। ये क्यों कहता है अल्लाह, क्योंकि रहमान और रहीम है, मोहब्बत करता है हमसे। यहाँ पे मुख्तसर में कहता चलो आगे मजीद बता दूंगा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं, ये रहमान और रहीम दोनों क्या मतलब है, पूछिए आमतौर पर हमसे ही पूछिए। रहमान के मायने में हम कहेंगे रहम करने वाला, और रहीम का मतलब भी हम रहम करने वाला ही बताएंगे, दोनों के मतलब। तो इस अल्लाह ने दो लफ्ज क्यों इस्तेमाल की, एक ही इस्तेमाल कर देता, चलवा तो नहीं उन्होंने। एक ही लफ्ज इस्तेमाल करता नहीं, एक ही लफ्ज निष्ठ रहमान वो है जो पूरी कायनात के ऊपर रहम करता है, जिसमें हर कौम के लोग आते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, और रहीम वो है जो अपने बंदों के ऊपर मुसलमानों पे रहम करता है, रहम दोनों पे करता है अल्लाह, लफ्ज में फर्क है खाली। तो ये ना कहिएगा कि अल्लाह सिर्फ हम पे रहम करता है, अल्लाह का बंदा वो भी है जो दूसरे मजहब पे न जाने कब राह सिराते मुस्तकीम पे आ जाए। आप कोशिश करें उसके रास्ते को बंद ना करें, खोल के रखिए, कब आ जाए क्या पता, वो रहम करने वाला है। और इस मकसद के लिए हुसैन ने शहादत दी, और 28 रजब का वक्त आया जब हुसैन का काफिला मदीने से चला। मैंने बड़ी आसानी से कह दिया काफिला मदीने से चला, इतना आसान नहीं था। इमाम वक्त ने ज़ैद नैया में बार बार कहा कि हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं था, उसने मदीना छोड़वाया गया था। और मसला क्या था, साहिरन तो बैत थी, जलील का खत आया मरवान वलीद के नाम, कहा हुसैन से बैत ले लो। मरवान ने खबर भेजी हुसैन के यहां, जिस वक्त हुसैन के यहां खबर पहुंची बीबी ज़ैनब वहीं बैठी हुई थी। हुसैन ने कहा, मरवान ने बुलाया, बीबी ने कहा नहीं अकेले न जाइएगा। हुसैन ने कहा घबराओ मत, मशियत को मंजूर है, मैं करबला ले गई, यहां कोई मुश्किल मुझे नहीं। फिर भी बीबी ने कहा अली अकबर अब्बास और मोहम्मद कासिम 18 बनी हाशिम को साथ किया, बोला हुसैन के साथ जाओ और कोई तकलीफ ना हो इनको,
हुसैन के साथ चले सब लोग दरबार की तरफ। जब दरबार में पहुंचे तो वहां से वलीद का हुक्म आया कि हुसैन के अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता है। सब बाहर खड़े हो गए, अंदर गए, मौला कह के गए थे फिक्र न करना, लेकिन अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए अंदर तो दाखिल हो जाना। अंदर गए, खबर दिया मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद ने बैयत मांगी है। हुसैन ने कहा ये बैयत मुमकिन नहीं है, ऐसी शक्तियों में वो देखिएगा दुश्मनों के बीच है, कत्ल हो जाने का खौफ है, लेकिन बैयत करने को तैयार नहीं, बैयत मुमकिन नहीं है। वलीद ने देखा, इशारा किया कि अकेले हैं, तनहा है, सर जुदा कर दो अपन से। हुसैन की आवाज बुलंद हुई, कहा वलीद तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरा हुसैन का सर जबा कटा करेगा। आवाज बुलंद का हजरत अब्बास का सुनना था कि अब्बास वहां से दौड़े, दरवाजा बंद था, दरबारों के दरवाजे बंद होते हैं। अब्बास ने कहा अली अकबर किनारे तो बटो जरा, किनारे हटे, अब्बास ने बाजुओं से धक्का दिया, दरवाजा गिरा, अब्बास पहुंचे मौला के पास, बोला मौला क्या हुक्म है? हुसैन ने कहा नहीं कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। मेरे जहन में एक चीज आई कि अब्बास यहाँ तो खाली हुसैन की आवाज बुलंद थी तो तुमने दरवाजा तोड़ दिया, अरे करबला में क्या होगा जब हलमिज नासिर जन सुनना की आवाज बुलंद होगी और तुम ना होगे। रवायतों में है कि जब इमाम हुसैन ने हलमिज नासिर जन सुनना की आवाज बुलंद की तो दरिया के किनारे अब्बास का लाचा तड़पने लगा। ये मेरे अब्बास की फजीलत थी। इमाम हुसैन लौटे दरबार से, लौटने के बाद उन्होंने लिस्ट बनाई कौन कौन सफर में जाएगा, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे। फातिमा सुग्रा का नाम ना आया, फातिमा सुग्रा ने सोचा कि मेरा तो नाम नहीं है। उन्होंने एक ससमाए बच्चे का गोद ले लिया, कहीं बच्चे की तो कोई जरूरत वहां जंग में नहीं है, ये मेरे साथ रहेगा। हुसैन जब चलने लगे, हुसैन ने कहा फातिमा ने सुग्रा असगर तो मुझे बाबा इसको तो छोड़ दीजिए, मैं इसे दिल बहला दूंगी, रखूंगी, इसकी वहां क्या जरूरत है। अली असगर गोद में फातिमा सुग्रा के चिंते थे, नहीं आ रहे थे। इतने में इमाम हुसैन ने उसके कान में कुछ कहा, बस कहा था कि अली असगर गुमक की गोद में आए हुसैन के, मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने यही तो कहा होगा कि अली असगर अगर तुम ना होगे तो मेरे हक में रहने की करबला में गवाही कौन देगा, क्योंकि सब तो कहते हैं बैयत नहीं की इसलिए सर कलम किया, तू तो ससमाहा था, तुझमें बैयत वाजिब न थी, तेरा सर कलम करेंगे तो साबित हो जाएगा कि उन्होंने बुग से अली में तो कत्ल किया है। उसके बाद काफिला चल रहा, रवानगी हुई, हुसैन ने सबसे पहले नाना रसूल खुदा के कब्र पे गए, जाने के बाद सबसे पहले अपने को रौज़ा रसूल पे गिरा दिया। रवायतों में कि अपने को गिरा दिया और गिरने के बाद पहला शब्द बोला नाना आपकी उम्मत में मुझे मदीने में रहने नहीं दिया। गश खा गए, सो गए, देखा रसूल समाये, उन्होंने कहा हुसैन मशीयत को मंजूर यही है कि तुम्हारा शहादत हो भी कर बना। हुसैन बहुत रोए, कई बातें की, लेकिन जब हुसैन उठे हैं तो उठने के बाद नवाज तुम है कि अपना पाखा गाल पीटते थे और रोते थे। लोगों ने कहा हुसैन क्यों रो रहे हो, क्या शहादत से घबरा गए? कहा नहीं, शहादत से नहीं घबरा गए, नाना ने कहा है वहां तुम्हारे बहने खुबियों की चादरें छिलेंगी, कैद किए जाएंगे, ये किसी गैरत वाले को मंजूर नहीं है। उसके बाद वो अपनी माँ के कमरे पे गए, माँ के कमरे के लिए कहा जाता है कि घुटनियों के बल गए, ऐसे चलते हुए गए जैसे बच्चा छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, माँ के पास गए, जाने के बाद माँ ने आगोश में लिया, एक हाथ निकले, कहा उसे तू घबरा मत, तेरी माँ तेरे साथ साथ रहेगी, जहां तुझे शहादत होगी वो जगह मैं अपने बालों से साफ करूंगी। अब तस्वूर करिए और जाकर दबाव पूरा नहीं पड़ूंगा कि करबला के अंदर
हुसैन की माँ है, हुसैन घोड़े से गिरे हैं, बीबी ने वादा क्या किया था, यही किया था कि जब तुम घोड़े से गिरोगे तो अपने दामन में अपने गोद में तुझे ले लूंगी। हुसैन गिरे घोड़े से, बीबी के गोद में शिवर लईन खंजर चला रहा है सीने पर चढ़ के, उधर से बहन जैनब देख रही है ये नशक मराना है। उसके बाद काफिला चलना शुरू हुआ, एक एक सवारी आती थी, लैला आती थी, हुसैन ने कहा अकबर वहां को सवार करो, मैं कुलसुम आई, कहा अब्बास मैं कुलसुम को सवार करो, एक एक करके सवारी चलती गई। इतने पे जैना भाई, सुन लीजिएगा रहमत राम, जैना भाई इमाम हुसैन खड़े हो गए, रवायतों में खड़े हो गए, कहा जैना तुम्हें मैं सवार करा दूं, कहा नहीं भैया माजरत मैं आपके हाथ सवार नहीं होंगी। अब्बास आए, कहा मैं सवार करा दूं, कहा नहीं तुम्हारे हाथ से भी सवार नहीं होंगी। अली अकबर ने कहा मैं सवार करा दूं, कहा नहीं तुम्हारे हाथ से भी सवार नहीं होंगी। मौला ने पूछा जैना फिर कौन सवार कराएगा, कहा भैया मुझे यहाँ पे वही सवार कराएगा जो मुझे 11 मुहर्रम को सवार कराएगा। हुसैन ने आवाज दी सैयद सज्जाद आगे आओ सवार कराओ। बीबी जैनब को सैयद सज्जाद ने सवार कराया। 11 मुहर्रम का दिन आया, लाशें पड़े हुए थे पूरे मक्तल के अंदर, जब एक एक सवारी जा रही थी लुटा हुआ काफिला, तो जैनब ने देखा अब्बास को आवाज दी, अब्बास न थे, हुसैन को आवाज दी, हुसैन न थे, कहा सैयद सज्जाद अरे तुम्हारे हाथ बंधे हैं कुछ सहारा तो दे दो। सैयद सज्जाद आए सहारा देने के लिए, अचानक उनकी नजर अपने बाप के लाशे पे पड़ी, चेहरा पीला हो गया। जैनब ने पूछा अरे तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे, ये क्या कैफियत हो गई। सैयद सज्जाद ने कहा अरे कैफियत नहीं, ये दिन किसी जवान बेटे को न दिखाए कि बूढ़े बाप का लाशा पड़ा हो, जवान बेटे के हाथ बंधे हो। इन्ना इल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आ रहा है तुम्हारे मुद्दा बीबी जैनब का वास्ता है, जो भी अदादार हैं जिन्होंने ये खिदमात की है उनकी तौफीकात मिलता है। जब आ रहा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, जितने भी अदादार यहाँ मौजूद हैं मकरूज हैं उनके कर्ज को अदा कर बेरोजगार उनको रोजगार दे दे। जब आ रहा बीबी जैनब का वास्ता है, इनके तो चंद आंसू हैं इन्हें कबूल करते, इनकी बीमारियों को दूर करते, इनकी तकलीफात को दूर करते। जब आ रहा बीबी जैनब का वास्ता है, हमें हर तरह के तालीमों को बैठ, हमारे घरों को आबाद रखना, खुश रखना, महफूज रखना। जब आ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, इमाम जमाने के जहूर में ताजी फरमाए और हमें इस काबिल बना के उनके लश्कर में शामिल मातम करें।